उत्तपम इंस्टेंट वाला सूजी का टेस्टी भी होता है हेल्दी भी होता है बहुत इजीली बन जाता है वेट लॉस जर्नी पर है वेट मेंटेनेंस या वेट गेन जो भी हो कैलोरी काउंटिंग करते हैं तो उसके लिए भी स्क्रीन पर आपको अच्छे से सभी मेजरमेंट्स विद कैलोरीज दिख जाएंगे झटपट से फटाफट फड़ बन जाता दैट्स द बेस्ट पार अबाउट इट एंड हाँ मेरा उत्तम कभी भी प्रॉपर परफेक्ट वाला गोल तो बनने से रहा रीज़न बीइंग इसमें इतने सारे वेजिटेबल्स होते हैं कि साइड्स में क्रैक्स आने तो ऑब्वियस है एंड येस आई एम कंसर्न अबाउट माई हेल्थ ऑलवेज एंड वैसे भी जितने ज़्यादा वेजिटेबल्स उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट सॉफ्ट से होते हैं बहुत मस्त लगते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने ली है एक कप सूजी जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप दही और अगर आप एक कप सूजी में एक कप दही ऐड करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मस्त वाला टेस्ट आता है बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है आई प्रेफर दैट वे बट हाँ तब फिर बनाने बहुत मुश्किल होते हैं पलटने मुश्किल होते हैं सो इफ़ यू आर इट आप एक कप सूजी में आधा कप दही ले के बना सकते हैं इफ़ यू आर ऑन दैट एडवांस लेवल आप एक कप uh, सूजी में ना एक कप दही लेकर के बना सकते हैं और जितना ज़रूरत हो उतना पानी डाल लें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें लगभग आधा कप ही पानी यहाँ पर मैंने ऐड किया है या मे बी उससे थोड़ा कम हो सकता है तो बी जेंटल विद इट हल्का सा मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर हम रख सकते हैं ज़रा सा पतला भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है क्योंकि हम इसे अब रख देंगे ढक करके सूजी फूल जाएगी फिर बैटर अपने आप थिक हो जाता है बाद में कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे इतने वेजिटेबल्स कट करके रेडी कर लें एक बड़ा प्याज या फिर लगभग आधे से एक कप कटा हुआ प्याज लिया है आधा कप कटा हुआ टमाटर लिया है एक टमाटर है आधी गाजर है इसको भी बाद में छील करके काट लेंगे शिमला मिर्च का एक टुकड़ा लिया है लगभग एक चौथाई शिमला मिर्च आप बोल सकते हैं सो कम्पलीटली डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंसेस के ऊपर कि आपको कितना अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स लेना है तीन चार बीन्स ले ली हैं वन बाई एट कप मटर ले लिए हैं एक से दो हरी मिर्च आप ले सकते हैं अच्छा सा ताज़ा हरा धनिया ले लें और अच्छे से सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर दें फाइनली चॉप करें ऑल these कलर्स लुक सो beautiful. कलरफुल वेजिटेबल्स इज़ लाइक सो फुलफिलिंग टू योर माइंड एंड सोल एज वेल सूजी का बैटर अच्छे से रेडी हो गया होगा खोल करके देख लेते हैं चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक थिक सी नहीं होनी चाहिए और पतली भी नहीं होनी चाहिए इट शुड बी समथिंग लाइक दिस मीडियम होगी तो आप उसके अंदर फिर सब्जियां ऐड कर दें अगर आपको लगे ज़्यादा थिक है तो थोड़ा सा पानी और आप मिला सकते हैं वेजिटेबल्स को बैटर के साथ में मिक्स कर लेंगे एंड इट जस्ट लुक्स सो ब्यूटिफुल टाइम टू ऐड स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से गरम मसाला ज़रा सा धनिया पाउडर नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लें मैं यहाँ पर लगभग वन टीस्पून स्पून सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ सेंधा नमक ज़रा सा ज़्यादा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द अदर नमक एंड इट्स बेटर फॉर हेल्थ और बिल्कुल ज़रा सी ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है वन बाई फोर बिकॉज़ इसमें हरी मिर्च हमने कटी हुई ऑलरेडी ऐड कर दी थी और आई चेंज आई है पाउडर एंड धनिया पाउडर बट आई डू एड अ पंच ऑफ ईच एज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट जस्ट गिवस नाइस फ्लेवर अब मैं टोटल वन पॉइंट फाइव टेबल स्पून घी और ऑयल का मिक्सचर ले रही हूँ आधा टेबल स्पून में मैरिड पीसी हुआ एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल लूंगी और एक टेबल uh, स्पून में घी का लूँगी प्लीज़ डो नॉट यूज़ रिफाइंड ऑयल्स दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ इफ योर हेल्थ कॉन्शियस गाय का शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें कच्ची घाणी के सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं दैट्स द बेस्ट मैंने जो भी पूरा बैटर बनाया था उसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जस्ट बिकॉज वी आर कैलरी काउंटिंग हेयर अदरवाइज आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आप रैंडमली भी इस पूरे बैटर से चारों थप्पम ईजीली आराम से बना सकते हैं

वो टॉक्सिक होता है नेचर में जब घी और तेल थोड़ा गर्म हो जाए आफ्टर दैट पुट द बैटर यू कैन पुट ऑल एट वंस एंड देन आप उसको फैला सकते हैं या फिर आप फैलाते फैलाते ही उसको पोर कर सकते हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू एक बार जब आप अच्छे से बैटर को पोर कर देंगे थोड़ा फैला देंगे उसके बाद मेक श्योर कि वो मीडियम फ्लेम पर दो तीन मिनट के लिए अच्छे से पक जाए अदरवाइज़ वो टूट जाएगा जब आप पलटेंगे तो और सीधा मत पलटें पहले अच्छे से सारे किनारियों को छुड़ा लें पलटे की मदद से एंड वंस इट्स डन उसके बाद जरा सा घी और तेल ऊपर की तरफ अप्लाई करें और फिर पूरे उत्पम को ध्यान से पलट लें कभी टूट भी जाता है कोई बात नहीं प्रैक्टिस के साथ में आ जाएगा अब uh, दूसरी वाली साइड भी दो तीन मिनट के लिए अच्छे से पकने दें जरा सा फिर पलटे से छुड़ा करके देखें अगर आराम से छूट रहा है तो पूरा सारी साइड से छुड़वा लें आफ्टर दैट केयरफुली रिमूव इट ऑन अ प्लेट तभी आपका सीधा उत्पम प्लेट पर अच्छे से उतर पाएगा बन गया ना है ना एकदम आसान ये वाले दिखने में थोड़े ओके ओके लग रहे हैं ना एक कप सूजी और आधा कप दही वाले नाउ हैव अ लुक एट दिस एक कप सूजी और एक कप दही वाला जो उत्पम का बैटर होता है उसके कितने खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाले टेक्सचर वाले उत्पम होते हैं आई डेफिनेटली लव दीज वंस जिसमें आधा दही और आधा सूजी होता है और एक रेसिपी आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है एक्चुअली मेजरमेंट्स दिस इज़ वॉट आई टेक वन एम ऑन माई डाइट दिस इज़ द परफेक्ट मेजरमेंट इससे मेरे आ, दो छोटे उत्पम या फिर एक बहुत बड़ा सा उत्पम ऐसे रेडी हो जाते हैं बट हाँ इसको पलटना मुश्किल होता है सो यू नीड अ लॉट ऑफ़ प्रैक्टिस फॉर दिस वन एंड छोटे बनाएंगे तो बेटर रहता है सो so इतने मेजरमेंट में मैं दो उत्पम बना लेती हूँ यूजुअली। आई रियली होप यू लाइक द रेसिपी लाइक द वीडियो एंड कैलरी कैलकुलेशन एंड ऑल ऑफ दैट एज वेल बहुत ईजी है सिंपल है बना के जरूर देखिएगा खाइएगा जरूर और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा उत्पम आपको कैसे लगते हैं इन जनरल या फिर आपका फेवरेट नाश्ता कौन सा है आई वुड लव टू नो दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर टाइम